Assalamu alaikum students, hope you all are well. This is our first lecture and today we are going to start new topic patriotism. Patriotism means hubul watni, yani watan se muhabbat, and the person who loves his country is called patriot. Woh shakhs jo apne watan se muhabbat karta hai usse hum patriot kehte hain. Patriotism is a strong feeling, ek mazboot ehsaas hai. And the person who has this feeling is always ready to sacrifice his everything, even his life, for the sake of his country, for the welfare of his country. Jo shakhs is feeling ko rakhta hai, is ehsaas ko rakhta hai hubul watni ke, wo hamesha apne watan ke liye har cheez qurban karne ke liye taiyar rehta hai, hatta ki apni jaan ko bhi qurban karne ke liye taiyar rehta hai. उसके लिए उसकी कंट्री और उसकी कंट्री का वकार, उसके वतन का वकार, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत, उसके वतन के लोगों की हिफाजत उसकी किसी भी चीज़ से भरकर होते हैं. हमारे सामने हमारे हमारी कंट्री के सोल्जर्स हैं जो हर रोज़ सरहदों पर सिर्फ और सिर्फ वतन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं. तो ये एक ट्रू पैट्रियट की जो है क्वालिटी होती है, उसकी खूबी होती है. आप भी अपने आप को एक ट्रू पैट्रियट प्रूफ कर सकते हैं. उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ. चैप्टर पर आते हैं हम अपने. चैप्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी बोर्ड में तीन पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के आते हैं और उनमें से हमने एनी टू अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ईच कैरी 4 मार्क्स. टोटल 8 मार्क्स की ट्रांसलेशन होती है हमारी, और वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं. आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये चैप्टर ट्रांसलेशन के हवाले से और क्वेश्चन आंसर के हवाले से बोर्ड के रिपीटेड चीज़ों में से एक है. आपको ये वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनको आपने डिक्टेशन के तौर पर लर्न करना है. इसके अलावा मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ जो मीनिंग्स आपने प्रिपेयर करने हैं. इसके अलावा आप स्कूल की वेबसाइट को विज़िट कर कर वहाँ से इस चैप्टर को हासिल कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पैट्रियटिज्म, मींस लव फॉर वंस कंट्री, अपने वतन के लिए प्यार. इंग्लिश मीनिंग है इसका लॉयलिटी एंड नेशनलिज्म. सेकेंड वर्ड है हमारे पास मदरलैंड, यानी मादरे वतन, नेटिव लैंड और होम. डिवोशन, ये बोर्ड का रिपीटेड वर्ड है, इसकी आपने मीनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसके मीनिंग को डिवोशन मीन वफादारी या अकीदत, डीप अफेक्शन, पैशन, डेडिकेशन एंड लॉयलिटी. नेक्स्ट वर्ड इज विलिंग. विलिंग मीन रजामंद, तैयार, आमादा. इसका इंग्लिश मीनिंग है इंक्लाइंट एंड रेडी. नेक्स्ट वर्ड इज कंट्री मैन, हम वतन, फेलो सिटीजन. द नेक्स्ट वर्ड इज कमेंडेबल. कमेंडेबल काबिल तारीफ, एडमायरेबल एंड वर्थी. द नेक्स्ट वर्ड इज सेफ गार्ड, यानी मीन्स तहफ्फुज़, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंस. द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरेस्ट, मुफाद, एडवांटेज, वेलफेयर, कंसर्न एंड बेनिफिट. द नेक्स्ट वर्ड इज सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मीन खुद मुख्तारी, सुप्रीम पावर, लिबर्टी एंड सेल्फ गवर्नमेंट. मीन्स देयर इज नो इंटरप्शन ऑफ अदर पर्सन और अदर कंट्री.
इन रूलिंग द गवर्नमेंट। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मीन सालमियत, ऑनेस्टी, प्योरिटी एंड होलनेस। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनर, वकार, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड नोबिलिटी। सुप्रीम, सुप्रीम मीन आला, एब्सोल्यूट, चीफ, लीडिंग एंड टॉप। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज, समझौता, एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडर, रेंडर प्रोवाइड, पेश करना। एंड द लास्ट वर्ड इज प्रेजर्वेशन, प्रेजर्वेशन मीन हिफाजत, कैनिंग, डिफेंस एंड गार्ड। टुडे वी आर गोइंग टू रीड ओनली टू पैराग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द लाइन विद ब्रेकअप एंड देन रीड द ट्रांसलेशन ऑफ फुल लाइन। पैट्रियटिज्म मीन्स, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव, मुहब्बत, फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन के लिए। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन के लिए मुहब्बत है, और डिवोशन या वफादारी टू वंस कंट्री, अपने वतन के लिए। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन के लिए मोहब्बत या वतन से, अपने वतन से वफादारी है। अ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन, लव्स हिज कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत करता है एंड इज विलिंग, तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है। एक मुहब्बे वतन अपने वतन के लिए, एक अपने वतन से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स, लव्स मुहब्बे वतन निकला है फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा। लव्स मुहब्बे वतन लतीनी लव्स पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्री मैन, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है अ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ खूबी, ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी लोगों को देती है स्ट्रेंथ, ताकत एंड करेज, हौसला, टू सेफ गार्ड, तहफ़ के लिए, द इंटरेस्ट, मफाद के, ऑफ द कंट्री, वतन के, एंड नेशन और कौम के। हुब्बुल वतनी मुल्को कौम के मफाद के लिए, मफाद के तहफ़ के लिए हौसला और ताकत अता करती है लोगों को। फॉर अ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए द सॉवरेनिटी, द सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत एंड ऑनर, वकार ऑफ द कंट्री, मुल्क की, आर सुप्रीम वैल्यूज़, आला इकदार होती हैं, ऑन विच, जिन पर नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्की, खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार वो आला इकदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट, अब ये वर्ड है पैट्रियट्स, ये प्लूरल वर्ड है पैट्रियट का, इसकी इसका उर्दू मीनिंग मुहब्बाने वतन है। स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक, हुबे वतन ही राइट करने, मुहबे वतन राइट करते हैं, आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये मुहबान वतन होगा, इसकी उर्दू में इसकी जमा मुहबान वतन होगी। पैट्रियट्स रेंडर पेश करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रजर्वेशन हिफाजत के लिए एंड प्रोटेक्शन तहफ़ के लिए ऑफ दीज वैल्यूज़। मुहबान वतन इन इकदार की हिफाजत और तहफ़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं।